हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स क्रिएटिव्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और मास्क की पैटर्न। ये मास्क जो है बहुत ही अच्छा है और कंफर्ट है। देखिए, ये मास्क बनाने में भी बहुत ही आसान है और ये इसमें सांस लेने के लिए भी हमने जो है अपने नाक के शेप में यहाँ ऐसे रखिए, जिससे हमें सांस लेने में बहुत ही आसान होती है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को देख लेते हैं कि मैंने ये मास्क कैसे बनाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है हमारा मास्क का जो है नाप ले लेंगे। ये 13 बाई लंबाई में 13 इंच है और चौड़ाई में जो है 10 इंचेस का है। तो 13 बाई 10 इंचेस का हम एक रेक्टेंगल पीस ले लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये आपकी, ये जो मास्क है वो आपकी नेक तक की आएगी। तो पहले हम इसे, देखिए डबल लेयर में है ये कपड़ा, इसे हम जो है इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो बंद साइड है वो मेरी और है, ये जो है इसका ओपन साइड है। अब बंद साइड के और से इस जगह से जो है हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरह से 1 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से भी हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। फिर जो है इसे हम एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। देखिए, इस तरह से बॉक्स बन गई। और जो है यहाँ हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे भी एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो 2 इंचेस का मार्क दिए है वहाँ से 1 इंचेस का बॉक्स पे एक कॉर्नर पे ऐसा एक निशान लगाएंगे इस तरह से। बन गया हमारा निशान। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे हल्का सा हम ऐसे राउंड शेप देंगे। इसके बॉक्स के अलावा आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो। इसको इस तरह से मिला लो और इस जगह पे हल्का सा हमें राउंड शेप देना है। इस तरह से हम राउंड शेप दे दिए हैं यहाँ। और जो है यहाँ का, यहाँ से यहाँ का जो है 4 इंचेस है, इसका बीच में जो 2 इंचेस पे हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को अंदर को करते हुए 1/2 इंच अंदर पे एक निशान लगा के इसको इस तरह से हम शेप में ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एक शेप बन गई, देख सकते हो वीडियो में। इसीलिए मैं व्हाइट कपड़े पे दिखा रही हूँ। व्हाइट कपड़ा का मास्क जो होता है बहुत ही अच्छा दिखता है, एलिगेंट दिखता है। और इसमें हम जो आपको मेजरमेंट बताते हैं वो भी पूरा स्पष्ट तरीका से आपको समझ में आता। अब जो हम ये 3 इंच पे मार्क किया, यहाँ से इस कॉर्नर को हम मिलाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह से मिलाने के बाद हमको यहाँ आ रहा है आपका 10 इंचेस। इस 10 इंचेस के बीच में हमें कितना मार्क चाहिए, 5 इंचेस। यहाँ का जो हमारा बीच, ये जो लंबाई है यहाँ 10 इंचेस है, इसका जो मिडिल 5 इंचेस पे हम एक मार्क लगाएंगे। देख सकते हो वीडियो में हम 5 इंच पे एक मार्क लगाए। अब इस मार्क को जो है हम बाहर की ओर 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ कर्व की एक शेप बना देंगे। तरह से एक, देखिए इस तरह से हम कर्व से लगा दिए। अब इसी ड्रॉ को हम कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है मार्क के अनुसार जो हम कट किए हैं उसका पैटर्न देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये जो 2 लेयर है इसे हम अलग अलग कर लेंगे। और देखिए, यहाँ जो हमने कट लगाए थे 1 इंच पे, ये दोनों निशानों को कट को मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ स्टिच कर लेंगे। सेम प्रोसेस में हम दूसरी वाली पार्ट को भी सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है दोनों साइड, दोनों कपड़े को जो है स्टिच कर लिए। स्टिच करने के बाद यहाँ देखिए हमारा नाक जैसा एक शेप आया है। इसी शेप के वजह से ये मास्क बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा आपको सांस लेने में। अब क्या करेंगे, दोनों सीधी और अंदर की तरफ रखेंगे और
सिलाई से हम सिलाई मिला के यहाँ एक पिन लगा लेंगे इस तरह से। पिन लगाने के बाद हम जो यहाँ 2 इंचेस के बाद जो 3 इंच का एक निशान लगाए थे यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई नहीं डालेंगे दोनों ओर, और बाकी जो है हम पूरी राउंड में और यहाँ जो ऊपर हमने शेप पे पिन लगाएंगे ये पूरी हम सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल में और एक बार बता दे रही हूँ, यहाँ जो दोनों कपड़े को हमने स्टिच किया था उसे हम उल्टे की ओर रख के यहाँ पिन सिलाई से सिलाई मिला के हमने पिन लगा लिए। अब जो है यहाँ से यहाँ हम निशान लगाए 3 इंच पे, यहाँ से यहाँ हम सिलाई नहीं डालेंगे दोनों तरफ, और नीचे की पूरी राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं हाफ अप क्वार्टर क्वार्टर इंच छोड़ी कपड़ा छोड़ते हुए पूरे राउंडिंग में हमने सिलाई लगा लिए, और मैंने जैसे कहा था यहाँ हमने ओपन छोड़ दिए हैं क्योंकि हमें इस कपड़े को पलटना है। अब जो है पूरे यहाँ जब हमारा राउंडिंग है इस राउंडिंग में छोटा छोटा कट लगाएंगे, कट इस तरह से लगाएंगे कि हमारा सिलाई जो है कट ना हो पाए। थोड़ी थोड़ी दूर में हम कट लगा के इसे हम टर्न करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है हमने कट लगा लिए हैं, अब इसे हम टर्न करेंगे इस तरह से, इसको ऐसे अंदर को करते हुए यहाँ का जो इसका नोकीला हिस्सा है उस हिस्से को बाहर खींचते हुए हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है टर्न कर लिए है हमने। टर्न करने के बाद हमें क्या करना है, सिलाई को मिलाते सिलाई अच्छा से सेट हो जाए इसके लिए हम इसमें एक बार प्रेस को चला लेंगे। प्रेस से हम इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे, उसके बाद जो है हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। इलास्टिक जो है मैंने यहाँ 5.5 इंच का इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को देखिए, ये जो हमने ओपन साइड रखा था यहाँ, इसे अंदर रखते हुए हम दोनों साइड में जो है इलास्टिक को इस तरह से लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हम प्रेस लगा लिए हैं, अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ सेट करेंगे। एक एक साइड जो है एक एक इलास्टिक जो है हम इधर सेट करते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा के इसकी चारों ओर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मास्क जो है कितनी आसानी से बन के जो है तैयार है। यहाँ हमारा एक नाक की तरह निशान बना है जिसके वजह से आपको सांस लेने में कंफर्ट रहेगा। और मैं एक आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि आप जब भी मास्क बनाएं कोई कॉटन और सॉफ्ट कपड़े में बनाइए, क्योंकि हमें अनहेजी होता है जब हमारे नाक के ऊपर मुँह का ऊपर कोई भी कपड़ा जो खुदरा कपड़ा हो रहने से, इससे अच्छा आप कॉटन कपड़ा से मास्क बनाइए। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए।